आज मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि हाल ही में हमारे क्लाइंट का क्लेम आया और उसका क्लेम रिजेक्ट हो गया और कहीं ना कहीं हमने उसके फाइट करके कंपनी से अप्रूवल कराया। तो मैं आपको बताने वाला हूँ रियल लाइफ एग्जांपल, जिसके अंदर रियल लाइफ स्टोरी जहां पर हमने अपनी क्लाइंट को एक पॉलिसी दिया और पॉलिसी देने के बाद कंपनी ने उसको रिजेक्ट कर दिया था कैशलेस के अंदर। लेकिन जो भी सर्कमस्टांसेस थे, जो भी उसके अंदर फैक्ट फाइंडिंग थे, उसको हमने समझ के उसको पूरा क्लियर करने के बाद कंपनी से वो कैशलेस की जगह रिइंबर्समेंट में अप्रूवल कराया। सो कंप्लीट जानेंगे इस वीडियो के अंदर किस तरीके से कैशलेस अप्रूवल नहीं मिला था और कैसे हमने रिइंबर्समेंट को प्रोसेस कराया और क्या फैक्ट फाइंडिंग थी उस पर्टिकुलर केस के अंदर। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा जिससे कि आपको सिनेरियो पता लग जाए और अगर आपके पास भी हेल्थ इंश्योरेंस है सो आपके साथ ऐसा ना हो तो इस चीज को भी ध्यान रखिएगा। फ्रेंड्स, मेरा नाम राहुल जैन और अभी तक मैंने 1500 से ज्यादा फैमिलीज को प्रोटेक्ट किया है जिससे कि वो अपनी फाइनेंशियल जर्नी को स्मूथ बना पाए और उन लोगों को कहीं ना कहीं मैंने रिटायरमेंट प्लानिंग, चाइल्ड एजुकेशन, हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस प्लान्स के साथ कहीं ना कहीं सिक्योर किया है और आज वो हमारे साथ प्लान लेकर अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट कर पा रहे हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आप भी चाहते हैं कि अपने फाइनेंशियल गोल्स को पूरा करना तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं जिससे कि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके और आप एजुकेट हो पाए जिससे कि फाइनेंशियल जर्नी के अंदर आप कोई गलती ना करें। सो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस रियल स्टोरी के अंदर मैं आपको कंप्लीट फैक्ट्स बताऊंगा कि किस तरीके से कंपनी के जो कैशलेस अप्रूवल थे वो रिजेक्ट हो गए थे और हमने रिइंबर्समेंट में प्रोसेस कराया। तो सबसे पहले, जैसा कि आप जानते हैं कि कंपनी का जब भी क्लेम आता है तो एज यूजुअल कस्टमर वहाँ पर हॉस्पिटल में एडमिट हुए और जैसे कि उनको डायग्नोज हुआ कि उनको दो तीन दिन से उनको वोमिटिंग हो रही थी या फिर कुछ प्रॉब्लम्स हो रही थी, उनको ब्रीथिंग में प्रॉब्लम हो रही थी कहीं ना कहीं, तो कस्टमर ने क्या किया, पहले किसी डॉक्टर को दिखाया और दो तीन दिन मेडिसिन से अगर उनको रेस्ट नहीं मिला तो उन्होंने क्या किया, फिर किसी डॉक्टर को किसी अच्छे हॉस्पिटल में दिखाने की कोशिश करी। तो यहाँ पर जब भी उन्होंने, मतलब डॉक्टर ने बोला कि भाई आप अपने दूसरे डॉक्टर को दिखाइए, तो एक रेफरल समरी बनाकर एक छोटे डॉक्टर ने बड़े हॉस्पिटल में उनको रिकमेंड किया। तो जैसे ही वो बड़े हॉस्पिटल में जाकर दिखाने लगे तो हॉस्पिटल वालों ने बोला कि आपको आपको ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, आपका टेस्ट करना पड़ेगा, तो जिसके लिए आपको एटलीस्ट एडमिट होना पड़ेगा और तभी हम आपकी जो एक्चुअल प्रॉब्लम है उसको डायग्नोस कर पाएंगे। सो एज यूजल जैसे कस्टमर ने मेरे से बात करी और बोला कि ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, तो मैंने उनको रिकमेंड किया कि सर आप एडमिट हो जाइए, जो भी ट्रीटमेंट्स है उसको स्टार्ट कीजिए, अगर आपको ऐसा कुछ फैक्ट लगता है जहाँ पर आपकी हेल्थ कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में आ रही है। तो उन्होंने फिर फाइनली वहाँ पर हॉस्पिटल में एडमिट हुए और हॉस्पिटल में एडमिट होने के बाद, जैसा कि कैशलेस प्रोसेस में होता है, आप लोग जानते ही हैं कि इंश्योरेंस पॉलिसी का अगर हम कैशलेस अप्रूवल चाहते हैं तो वहाँ पर उनको अपने डॉक्यूमेंट्स, अपने KYC में आधार कार्ड, पैन कार्ड वगैरह एडमिट सबमिट किए और साथ में उनकी पॉलिसी डॉक्यूमेंट, और ये सारी डॉक्यूमेंट प्रोसेस करने के बाद उनका कैशलेस का जर्नी स्टार्ट हो गया। अब जैसा कि वहाँ पर देखा गया था, जब हॉस्पिटल में वो एडमिट हुए तो वहाँ पर उनके कुछ फॉर्मेट्स होते हैं, उनके जो डिटेल्स होती हैं, प्रीवियस हिस्ट्रीज होती हैं, अगर मेडिसिन वगैरह चल रही है या कोई ट्रीटमेंट वगैरह हुआ है, तो जैसा कि यूजुअल बाकी केसेस में भी होता है, उन्होंने भी सारे डॉक्यूमेंट सबमिशन वगैरह किया। और वहाँ पर जो मतलब इमरजेंसी में हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स होते हैं, उन्होंने अपने फॉर्मेलिटीज करके अपनी डिटेल्स, कस्टमर की डिटेल्स पूरा कंप्लीट वहाँ पर फिल किया एंड उसके बाद कस्टमर एडमिट हो जाता है। अब उनका 3 तारीख को, मान के चलते हैं हम 3 तारीख को एडमिट हुए, तो 3 तारीख को उनका अप्रूवल नहीं आया, उन्होंने ज़्यादा पैनिक नहीं किया, लेकिन उनका ट्रीटमेंट स्टार्ट हो चुका था बिकॉज उन्होंने एक टोकन मनी एडमिट कर दिया था। ठीक है, टोकन मनी देने के बावजूद उनका ट्रीटमेंट स्टार्ट हो गया। सो वहाँ पर कंपनी को लगा कि भाई ये प्रॉब्लम है कहीं ना कहीं कस्टमर के साथ, कि कस्टमर हमारे साथ कोई ऐसी चीज़ छुपा रहा है, ऐसी कोई हिडन फैक्ट है कहीं ना कहीं, कि कस्टमर हमें बताना नहीं चाहता या बताया नहीं है पॉलिसी लेते समय। हालांकि वो पॉलिसी को चलते हुए ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था, 7-8 महीने का टाइम हुआ था, जहाँ पर हमने ये देखा कि कस्टमर ने जो पॉलिसी लिया था जुलाई में लिया था और उनका क्लेम जो था फेब में आया था, जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर। सो ये सारी चीज़ें जो हैं मैं आपको इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि ऐसा नहीं है कि पॉलिसी लेने के बाद अगर एकदम से क्लेम आता है तो क्लेम नहीं मिलता, बट कहीं ना कहीं उनको प्रॉब्लम लगी और उसका जो फैक्ट फाइंडिंग था वो मैं आपको आगे बताऊंगा वीडियो में कि वो एक्चुअल प्रॉब्लम कहाँ थी। लेकिन जैसा कि प्रोसेस स्मूथ चल रहा था, ट्रीटमेंट हो रहा था, सो 2-3 दिन तक जब तक उनका अप्रूवल नहीं आया जब तक तो ट्रीटमेंट हुआ, लेकिन हॉस्पिटल ने उनको प्रेशर करना शुरू कर दिया कि आपका सर अप्रूवल नहीं आया है, आप अपना टोकन मनी तो आपने जमा कराया है लेकिन आप और पैसा जो है जमा कराइए एट काउंटर पे, जिससे कि हम आपका आगे का ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकें, आगे का ट्रीटमेंट कंटिन्यू कर सकें। सो कस्टमर ने फिर मुझे बताया कि सर ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, हॉस्पिटल कह रहा है कि आप पैसा जमा कराओ क्योंकि आपका अप्रूवल नहीं आया। तो मैंने बात करी कंपनी में बात करने के बाद मुझे ये पता लगा कि कहीं ना कहीं कस्टमर ऐसी कोई चीज़ छुपा रहा है कि जो उनको पॉलिसी लेने से पहले थी, मतलब कि उनकी पॉलिसी जुलाई 2023 में इशू हुआ था,
लेकिन कस्टमर का कहना ये था, या कस्टमर को मैंने भी पर्सनली जज किया, गाइड किया, कि मेरे को ऐसा लगा कि कस्टमर को एक्चुअल में कोई प्रॉब्लम नहीं है, और रियलिटी यही थी कि कस्टमर को प्रॉब्लम थी ही नहीं। लेकिन आपको मैं बता देता हूँ कि यहाँ पर फैक्ट क्या था, चीज़ें क्या थी, कि जब उनका अप्रूवल नहीं आया तो मैंने कहीं ना कहीं कोशिश करी भाई एक्चुअल रीज़न क्या है उसको जानने की। तो उसको हमें पता तो लग गया कि कहीं पर हॉस्पिटल की तरफ से एक माइनर टाइपिंग, मतलब लिखने में मिस्टेक हुआ था, राइट। सो जब भी हॉस्पिटल में हम एडमिट होते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी हिस्ट्री पूछी जाती है कि आपको प्रॉब्लम कब से हो रही है, कैसे हो रही है, क्या चीज़ है, ठीक है। सो उस केस में कहीं ना कहीं उनसे एक एरर हुआ था, ठीक है, वो मैं आपको आगे दिखाऊंगा कि स्क्रीन पर कि वो एरर क्या था, राइट। बट यहाँ पर कस्टमर बिल्कुल फेयर था, हमें भी पता था कि कस्टमर बिल्कुल ठीक बोल रहा है, कस्टमर बिल्कुल जो चीज़ें हैं वो बिल्कुल हाइड नहीं कर रहा है, ठीक है। सो यहाँ पर हमने कस्टमर को इंसिस्ट किया, सर आप अभी कैशलेस अप्रूवल नहीं आ रहा, अगर ट्रीटमेंट कंटिन्यू रखना है तो आप अपना पैसा जमा करा दीजिए, जिससे कि ट्रीटमेंट में कोई प्रॉब्लम ना आए, हालांकि ये पैसा जो है ये रिफंड हो जाएगा अप्रूवल के बाद। तो कंपनी ने कस्टमर ने हॉस्पिटल में पैसा जमा कराया हमारे बोलने पर, और उसके बाद मैं एक दो बार कस्टमर के पास विजिट करने भी गया हॉस्पिटल, तो मेरे को ये पता लगा कि एक्चुअल में प्रॉब्लम कहाँ है, किस तरीके से चीज़ें होती हैं, कैसे कैशलेस अप्रूवल नहीं हो पा रहा है उनका, किस सिनेरियो में वो चीज़ें प्रॉब्लम में आ रही है। तो कहने का मतलब सिंपल ये है कि कहीं ना कहीं आपका अगर इंश्योरेंस एडवाइज़र आपके साथ है तो वो आपको गाइड कर सकता है, सपोर्ट कर सकता है, चीज़ों को अंडरस्टैंड कर सकता है कि कहाँ पर चीज़ें हैं, कहाँ पर प्रॉब्लम है, कहाँ पर नहीं है एक्चुअल में, राइट। सो यहाँ पर हमने कस्टमर को गाइड किया, इवन मैं दो तीन बार उनके पास विजिट किया, हॉस्पिटल में गया, उनको मैंने बताया कि सर ऐसे ऐसे सिनेरियोज में कहीं पर चीज़ें अटक जाती हैं, प्रॉब्लम हो जाती है। सो जो कि हॉस्पिटल की तरफ से गलती थी, लेकिन कंपनी बोल रही थी भाई हॉस्पिटल की तरफ से गलती है तो हमें एक कुछ प्रूफ दे दीजिए जिससे कि हम ये देख सकें, समझ सकें कि एक्चुअल में वो प्रॉब्लम नहीं है, उनको कोई भी पुरानी बीमारी नहीं है। तो हमने हॉस्पिटल को एक रिटर्न में रिक्वेस्ट दिया, जहाँ पर हमने हॉस्पिटल से ये पूछा कि भाई ये पेशेंट पर्टिकुलर कितने टाइम से आपके पास आ रहे हैं, उन्होंने पहले कोई ट्रीटमेंट तो नहीं कराया, जो आपका डॉक्टर है उनके पास हमने एक डिक्लेरेशन लिया। तो ये सारी चीज़ें करने के बाद हमें एक्चुअल में पता लगा कि कस्टमर उस हॉस्पिटल में पहली बार गया, उस डॉक्टर से हमने पहली बार ट्रीटमेंट कराया, और इवन डॉक्टर ने भी उसको डायग्नोस किया और बताया, डिक्लेरेशन में दिया कि वो ट्रीटमेंट पर्टिकुलर उस डेट से ही, 3 फरवरी से ही उन्होंने स्टार्ट किया था, उससे पहले कभी भी नहीं दिखाया, ठीक है। सो कहने का मतलब सिंपल है कि डिक्लेरेशन और ये सारी चीज़ें देने के बाद कंपनी को कहीं ना कहीं चीज़ें समझ आई कि हाँ यार ये कस्टमर जेन्युइन है, और उस प्रॉब्लम को उन्होंने डायग्नोस किया, उस फैक्ट को उन्होंने अंडरस्टैंड किया, और कहीं ना कहीं जो मिस्टेक हुआ था हॉस्पिटल से, एक्चुअल में था क्या सिनेरियो कि उनको जो प्रॉब्लम हो रही थी लास्ट लगभग 1 महीने से हो रही थी, मतलब कि जनवरी से हो रही थी, लेकिन जब वहाँ पर हिस्ट्री में लिखा गया, तो जो वहाँ पर हिस्ट्री शीट होती है करके, तो हिस्ट्री शीट में जब लिखा गया तो 1 को उन्होंने बाय मिस्टेकली थोड़ा सा राइटिंग में, कई बार कुछ लोग जो होते हैं 1 को 7 लिख देते हैं, जैसे आप स्क्रीन पर देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा, तो उन्होंने जल्दी जल्दी में उस 1 को 1 ही लिखा, लेकिन कंपनी ने उसको इंटरप्रिटेट किया कि वो 7 है, मतलब कि उनको जो प्रॉब्लम है वो 7 महीने से है जब उन्होंने पॉलिसी लिया था। तो उसकी वजह से कंपनी ने उनका कैशलेस क्लेम प्रोसेस नहीं किया, क्योंकि वो सस्पेक्टेड था, कंपनी को लगा कि यार इनको हम एक बार दोबारा से डायग्नोस करेंगे या दोबारा से इन्वेस्टिगेट करेंगे इस केस को कि एक्चुअल में ऐसा तो नहीं है कि कस्टमर झूठ बोल रहा है या कहीं पे उसका कोई और प्रॉब्लम है, कोई और इंटेंशन है। तो जिसकी वजह से कंपनी ने हालांकि कैशलेस डिनाई कर दिया, और लगभग ये 4,31,000 रुपये का क्लेम बन चुका था, जहाँ पर हमने कस्टमर को एक एश्योरेंस दिया कि सर देखिए मैं आपके साथ खड़ा हूँ, अगर आपका क्लेम जेन्युइन है तो हम आपका सपोर्ट करेंगे, हम आपको कहीं ना कहीं क्लेम दिलाने में हेल्प करेंगे। और हमने जब ये बोला तो कस्टमर ने हमारी बात को समझते हुए अपना जो भी अमाउंट था हॉस्पिटल में डिपॉजिट किया, और उसके बाद जो भी फॉर्मेलिटीज डॉक्यूमेंट थे, कंप्लीट फाइल थी, रिपोर्ट्स थे, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स हमें हैंडओवर किए, एंड हमने उसको फिर रिइंबर्समेंट में अप्लाई किया। रिइंबर्समेंट में अप्लाई करने के बाद विद इन 15-20 डेज के बाद उनका फाइनल अप्रूवल आ गया, एंड हमने कंपनी को एक लेटर डिक्लेरेशन भी दिया था कि ये टाइपिकल, मतलब कि रिटर्न में जो लिखा गया है उसका एक एरर है, और जिसकी वजह से आपको ये कंसीडर करना चाहिए, अगर आपको ऐसा फैक्ट फाइंडिंग इन्वेस्टिगेशन में नहीं मिलता है तो आपको ये कंसीडर करके प्रोसेस करना चाहिए। तो जिसकी फाइनल रिजल्ट हमें ये मिला कि कस्टमर का सिर्फ और सिर्फ जो नॉन कंज्यूमेबल या थोड़ा सा डिडक्शेबल अमाउंट था 1200 रुपये, वो 1200 रुपये डिडक्ट हुआ, आप जैसा स्क्रीन पर देख पाएंगे,
तो 431,000 के अप्रॉक्स का अमाउंट था और 429,000 रुपये का हमें सेटलमेंट अमाउंट मिला, मतलब कि कस्टमर को 429,000 रुपये का जो अमाउंट था वो उनके अकाउंट में चला गया और कस्टमर वॉज वेरी हैप्पी एंड वो ये हमें बताने लगा कि एक्चुअल में वो हमारा कोई मिस्टेक नहीं था, इंश्योरेंस एडवाइज़र मतलब कि हमने जो उनको गाइड किया, हमारी तरफ से जो उनको सपोर्ट चाहिए था हमने उनको पूरा सपोर्ट किया, मतलब हमने लास्ट 1.5-2 महीने जो भी उस टाइम पर उनको सपोर्ट चाहिए था हमने उनको गाइड किया, प्रॉपर सपोर्ट किया। सो इस सिनेरियो से मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूँ, ये गाइड करना चाहता हूँ कि कई बार होता है कि जो ये पेपर वर्क है कई बार लिखने में गलती हो जाती है या फिर कई बार हॉस्पिटल जो है जो कोई प्रॉब्लम डायग्नोज होती है उसको शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं और इवन क्लाइंट को वो पता नहीं होता और वो उस डिक्लेरेशन पे साइन कर देता है। सो मेरा आपसे आप लोगों से ये रिकमेंडेशन है या एक एडवाइस है कि जब भी आप हॉस्पिटल में एडमिट हो किसी पेपर पे साइन करें तो एटलीस्ट या तो उसको कंफर्म कर लें कि भाई ये प्रॉब्लम क्या है जो कि वो मेंशन कर रहे हैं, या फिर जब भी आप किसी पेपर को डॉक्यूमेंट्स को साइन करें तो डॉक्टर को या फिर हॉस्पिटल को ये रिकमेंड करें, बोलें कि भाई जो भी आप प्रॉब्लम लिख रहे हैं उसको शॉर्ट फॉर्म में ना लिखें, उसको पूरा जो एक्सप्लोर करके या पूरा एलाबरेट करके उसको लिखें कि ये प्रॉब्लम क्या है जो कि उनको डायग्नोज हुई है, तो जिससे कि कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग मिस गाइडेंस यहाँ पर ना आए। ठीक है, तो पहला एक रिकमेंडेशन ये है मेरे को आपके लिए कि इस तरीके से आप अपने जो पॉलिसी के कैशलेस अप्रूवल है उससे बच सकते हैं। दूसरा यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर मान लीजिए कोई भी डिस्क्लोज़र होता, मान लीजिए कोई भी नॉन डिस्क्लोज़र होता इस केस में, कस्टमर ने पॉलिसी लेने से पहले कोई प्रॉब्लम होती और मेरे को डायग्नोज नहीं किया होता या डिस्क्लोज नहीं किया होता तो उसकी वजह से अगर क्लेम रिजेक्ट होता तो मैं भी कुछ नहीं कर पाता, इवन क्लाइंट भी कुछ नहीं कर पाता और यहाँ तक कि हो सकता है कि पॉलिसी भी टर्मिनेट हो जाती। तो मेक श्योर कि जब भी हम पॉलिसी देते हैं किसी क्लाइंट को तो हम रिटर्न फॉर्मेट में कस्टमर से डिटेल्स लेते हैं और उसके बाद में हम कस्टमर की पॉलिसी करते हैं। अगर कोई भी नॉन डिस्क्लोजर है और कस्टमर कहता है नहीं जी आप ऐसे ही पॉलिसी दे दीजिए हमें मेंशन मत कीजिए, तो उस केस में हम पॉलिसी नहीं करते हैं जस्ट बिकॉज कि हम नहीं चाहते कि किसी भी क्लाइंट के साथ कोई भी गलत हो, कोई भी ऐसी प्रॉब्लम हो जिसके वजह से या तो क्लाइंट को सफ़र करना पड़े या वो हमें उल्टा मतलब हमें एक नेगेटिव इम्पैक्ट हमारे लिए क्रिएट करें, तो वो सारी चीज़ें हम नहीं करते हैं। तो इसी वजह से हम कोई भी नॉन डिस्क्लोजर वाली प्रॉब्लम को हम बिना डायग्नोज किए बिना डिस्क्लोज किए हम मेंशन करके पॉलिसी नहीं देते हैं। सो हम कोशिश करते हैं कि 100% हमारे जो भी पॉलिसी होल्डर्स हैं उनको हम एक एश्योरेंस के साथ एक श्योरिटी के साथ पॉलिसी दें, चाहे उसमें लोडिंग लगे कंपनी उसको कवर करे या ना करे, तो उस वजह से कस्टमर को फ्यूचर में कभी प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि एक इंश्योरेंस पॉलिसी जो है वो एक लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट होता है और जिसकी वजह से कस्टमर को फ्यूचर में आने वाले टाइम पे कभी भी सफ़र ना करना पड़े। तीसरी चीज़ ये हो सकती है कि मान लीजिए जैसा कि मैंने आपको बताया कि नॉन डिस्क्लोजर हो गया या फिर कोई भी शॉर्ट फॉर्म हो गया, तो इन केसेस में तो नहीं होना चाहिए। तीसरी चीज़ ये है कि आप अपनी तरफ से कभी आपको लगे हॉस्पिटल में जाने के बाद या डॉक्टर के सामने कि भाई मेरे को यहाँ पर पेन हो रहा है या मेरे को कोई प्रॉब्लम हो रही है, आपके घुटने में पेन है एग्जांपल, तो आपको ये ना लगे कि यार ये मेरे को ये प्रॉब्लम हो गई है, या आपको कभी फील होता है कि भाई मेरे को बीपी है या शुगर है, तो अपने आप से उसको एक्सप्लेन मत कीजिए, अपने आप से उसको डायग्नोस मत कीजिए, सेल्फ डायग्नोस नहीं होना चाहिए। यहाँ पर कोशिश कीजिए कि आप जो भी डायग्नोज हो वो डॉक्टर की तरफ से एक डिक्लेरेशन हो कि भाई डॉक्टर ने वो डायग्नोज किया है प्रॉब्लम को, या फिर आपने कोई टेस्ट रिपोर्ट किया है उसके अंदर वो प्रॉब्लम डायग्नोज हुआ तो ही उस प्रॉब्लम को डायग्नोज कीजिए। कभी भी हॉस्पिटल में या डॉक्टर के सामने ऐसा इंटरप्रिटेट मत कीजिए कि आपको ये प्रॉब्लम है, चाहे वो आप अपनी तरफ से आपको फील हो रहा है कुछ भी हो रहा है, जिसकी वजह से आपका क्लेम में या फिर आपके अप्रूवल्स में भी प्रॉब्लम हो सकते हैं। सो वो टेस्ट के रिपोर्ट के हिसाब से या डॉक्टर के हिसाब से ही डायग्नोज हो तो बेटर है, सेल्फ डायग्नोज मत कीजिए जिससे कि आपका क्लेम रिजेक्शन हो सकता है। तो मेजरली ये सारी चीज़ें हैं और इस केस स्टडी को मैं यहाँ पर इसलिए आप लोगों के सामने लाया हूँ क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग कई बार ये पॉलिसी लेते हुए नहीं समझ पाते हैं कि क्या चीज़ सही है क्या चीज़ सही नहीं है और इस केसेस में आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो जाती है और कुछ लोग तो इवन जाके पॉलिसीज ले लेते हैं एंड उनको कहीं ना कहीं अपने एडवाइज़र और अपने इंश्योरेंस एडवाइज़र का सपोर्ट नहीं मिल पाता। तो मेरा रिकमेंडेशन है कि आपको अगर कहीं भी कुछ भी प्रॉब्लम होती है सो आपके साथ कोई एक सपोर्टिंग हैंड होना चाहिए, आपका एडवाइज़र होना चाहिए जिससे कि आपको फ्यूचर में अगर कोई भी प्रॉब्लम हो पेपर वर्क हो तो उनकी सपोर्ट से आप वो सारे डॉक्यूमेंटेशन को कंप्लीट कर पाए और अपने क्लेम सेटलमेंट को कंप्लीट प्रोसेस करा पाए। सो फ्रेंड्स यही सारा चीज़ें हैं जो कि मैं आपको बताना चाहता था इस वीडियो के माध्यम से। अगर आपके पास भी एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है और एक बेटर हेल्थ इंश्योरेंस प्लान के लिए देख रहे हैं
तो आप हमारी टीम से कनेक्ट कर सकते हैं। नीचे जो स्क्रीन पर नंबर दिख रहा है और ईमेल आईडी दिख रहा है, इस पर आप जाके कनेक्ट कर सकते हैं। इवन आप में से बहुत सारे लोग हैं जो कि यंग एज में हैं और पॉलिसी लेना चाहते हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ कि आज की डेट में कुछ ऐसे प्लान्स हैं मार्केट में कि अगर यंग एज में आप पॉलिसी लेते हैं 10 लाख रुपए का, सो स्लोली एंड ग्रेजुअली वो पॉलिसी आपकी 1 करोड़ का बेनिफिट देगी और प्रीमियम भी उसके अंदर आपका बेटर रहेगा, इंक्रीज नहीं होगा, सेम प्रीमियम पे आपको वो पॉलिसी मिल जाती है। तो इन सारे ऑप्शंस के लिए भी आप हमारी टीम से कनेक्ट कर सकते हैं। हालांकि आप मेरे को बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में कि ये सिनेरियो आपको कैसा लगा। आपको मैंने रियल टाइम एग्जांपल बताया जिससे कि आप इन चीज़ों को समझ के अपने फ्यूचर में कोई भी क्लेम को सेटल कराने में आप अपनी गाइडेंस ले सकते हैं। आपको वीडियो कैसी लगी जल्दी से लाइक करें, शेयर करें, जैसे कि और लोगों को भी पता चल सके कि किस तरीके से क्लेम सेटलमेंट में चीज़ों का ध्यान रखना होता है, किन किन चीज़ों से आप अपने क्लेम सेटलमेंट के रिजेक्शन से बच सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल द टाइम बी सेफ, बी इंश्योर्ड।